हेलो फ्रांस, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए, चुस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। जब आपका साल ख़त्म होने को होता है तो आप काफ़ी अवार्ड देखते हैं, या फिर आप ये देखते हैं कि कौन से शो ने कितना बड़ा सफ़र किया, कितनी इनकम की, प्रोडक्शन को कितना प्रॉफिट कराया, या फिर आप देखते हैं कि ये शो इसी साल में आए और इसी साल में ख़त्म हो गए। आजकल तो टीआरपी के मारे 3 या 4 महीने का कोई शो चल जाता है तो उसे बहुत बड़ी बात मानने लगे हैं, क्योंकि ओटीटी इतना हावी जो हो गया है। चलिए, ये हम बातें बहुत करते हैं, लेकिन अगर हम उससे भी ज़्यादा आपसे ये कहें कि जो है मैं बताने वाली हूँ स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो जो है 2023 में कैसे रहे, कैसा रहा सफ़र और रेटिंग के साथ, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके प्यारे से ये है चाहते का। ये है चाहते को फैंस ने काफ़ी प्यार दिया है, भले ही शो की स्लॉट चेंज हो गई है लेकिन शो को काफ़ी प्यार दिया है और उसकी रेटिंग जो है 17% बढ़ी है। अगर आप 11 o'clock पर कुछ रिकॉर्ड पहले देखेंगे कि टीआरपी किसने अच्छी निकाल के दी, तो उनमें कुछ दिन पहले या कुछ महीनों से जो है आपका फर्स्ट शो ये है चाहते बना। बात आती है आपकी बातें अनकही सी, बातें अनकही कि शुरू से टीआरपी जो है इतना अच्छा नहीं दे रही है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट फैंस को काफ़ी पसंद आ रहा है, फिर चाहे वो ये है मोहब्बत जैसा लगे या फिर मोहित मलिक की एक्टिंग आपको अपनी तरफ खींच सके, तो 15 पॉइंट इसको जो है प्लस में मिला है। ये नीचे नहीं गया है, ये ऊपर ही बढ़ा है। उम्मीदें हैं कि अब अनुपमा का सपोर्ट भी इसे मिलेगा तो कहीं ना कहीं टीआरपी बढ़ने के काफ़ी चांसेस हैं। और अनुपमा का ट्रैक क्यों डाला गया है? अनुपमा का ट्रैक एक टीआरपी बढ़ाने के लिए, और दूसरा मोहित मलिक शूटिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो वेकेशन पे गए हैं, तो कहीं ना कहीं अनुपमा को दिखाकर शो को बांधे रखने वाली बात होगी। बात आती है फिर आपका इमली का। इमली जो है ना तो कम में गया है और ना ही जो है डाउन में गया है। इमली ने अपनी पोजीशन जो है वहीं की वहीं जमाए रखी है। ऐसा नहीं कहेंगे कि इमली काफ़ी चर्चाओं में है, काफ़ी हिट लिस्ट में है, या ये भी नहीं कहेंगे इमली काफ़ी डाउन गया है, थर्ड जनरेशन बिल्कुल बेकार लगी है, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे में कहेंगे कि इमली ने जो है अपनी पोजीशन लगातार बनाई हुई रखी है। ऐसे में जो है 9 पॉइंट के साथ जो है इमली खड़ा हुआ है। बात आती है फिर आपके प्यारे अनुपमा की। अनुपमा शो जो पहले कमाल करता था वो आपको नज़र आ रहा होगा, वो नहीं कर पा रहा है, और जहाँ पे वो स्लॉट किंग तो बना हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ 2 या 3 पॉइंट से स्लॉट किंग में कंपटीशन रहता है। ऐसे में पहले अनुपमा के पास इतने पॉइंट होते थे, वहाँ तक पहुँचना तो पहुँचना, उसके नियर तक भी पहुँच जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। अब तो अनुपमा का ये रहता है क्या पता इस हफ्ते स्लॉट किंग से हट जाए, इसीलिए अनुपमा की पोजीशन पहले से काफ़ी डाउन गई है। 8 पॉइंट जो है उसका काफ़ी डाउन गया है, तो ऐसे में जो है रेटिंग जो गूगल के अकॉर्डिंग दी हुई है, तो ऐसे में अनुपमा का चार्म पहले से बहुत ज़्यादा डाउन में गया है और उसको जो है रेड मार्क मिला है। बात आती है आपके पांडे स्टोर की। तो पांडे स्टोर जो है आपका सेकंड जनरेशन आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि ये बहुत बेकार है, या ऐसा भी नहीं कहेंगे ये बहुत अच्छा गया है। इमली की तरह इसे येलो टिक मिला है। येलो टिक का मतलब ना तो हिट ग्रीन में है और ना ही डाउन रेड में है, ये बीच में है। जो है इसकी कहानी कभी बीच में पसंद आ जाती है, कभी फैंस इसे छोड़ देते हैं तो कभी इसे फिर से एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन इन दिनों जो है डिवोर्स ट्रैक और पांडे स्टोर का टूटना काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट लेकर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो है इन्हें टीआरपी काफ़ी अच्छे पॉइंट लेकर खड़े होना है। बात आती है आपकी तेरी मेरी डोरिया। तेरी मेरी डोरिया की पोजीशन जो है पहले से आपको काफ़ी बड़ी भी लगी होगी, टॉप 5 में भी एंट्री करता है, लेकिन फिलहाल जो है कुछ टाइम से पांडे की तेरी मेरी डोरिया की स्टोरी फैंस को पसंद नहीं आ रही है। ऐसे में अंगद का डबल रोल, ये फालतू का ट्रैक, लड़की का आना, जो अपना फियोंसी बताना, ये सब फैंस को काफ़ी बोर किया है। मेन एंट्री जो गैरी की करानी थी वो इन्होंने काफ़ी लेट कराई है, लेकिन फिलहाल आपको गैरी की एंट्री नज़र आ गई होगी। उसी के बीच में जो है तेरी मेरी डोरिया को जो है रेड टिक मिला है, इसके जो है पॉइंट में जो है काफ़ी गिरावट आई है, तो इसीलिए इसमें जो है गैरी की एंट्री अभी इन्होंने देखकर, वैसे भी शो के जो प्रोडक्शन है ना वो बहुत धीरे धीरे स्टोरी को लेकर चलते हैं, और आपको पता है धीरे स्टोरी कहीं ना कहीं फैंस को जो है चुभने लगती है और टीआरपी डाउन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बात आती है आपके गुम है किसी के प्यार में।
गुम है किसी के प्यार की स्टोरी आप सेकंड जनरेशन देख रहे हैं। लगातार ये शो जो है नंबर वन पे बना हुआ है, या ये कहें फैंस को अपनी तरफ इस शो ने बांध लिया है। इसमें हर दिन कुछ नया देखने के लिए रीवा को जोड़ा गया है। अब रीवा बनेगी शो की पाकी, न्यूज़ तो यही वायरल हो रही है। अब देखना होगा कि साबी और ईशान की शादी ईजिली होगी या फिर रीवा और ईशान की होगी। देखने में काफ़ी दिलचस्प बनेगा। ऐसे में शो को ग्रीन टिक मिला है, फैंस को इसे काफ़ी प्यार मिल रहा है। सबसे गुड न्यूज़ है अभी तक ये ट्रोलिंग में नहीं आया है, वरना ये शो सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग में रहा है। बात आती है फिर आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता कि आप जो है फोर जनरेशन देख रहे हैं, ऐसे में शो जो है ना तो ज़्यादा हिट है और ना ही ज़्यादा फ्लॉप है। ऐसे में शो को येलो टिक मिला है। शो जो है ऊपर जा भी सकता है, नीचे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल शो बीच में है क्योंकि अब कहानी रचनी शुरू हुई है। कहानी होगी गुम है किसी के प्यार की फर्स्ट सीजन की, जहां पे दोनों बहनें एक घर में होंगी और एक दूसरे की दुश्मन होंगी और एक ही लड़के से प्यार करेंगी। एक पत्नी होगी तो एक एक्स प्यार होगा। अब देखना है कि आपके जो है ये रिश्ता क्या गुम की तरह टीआरपी निकाल पाता है, या ट्रोलिंग पे चढ़ेगा, या फिर फैंस को जो है इस तरह की स्टोरी देखकर बोर तो नहीं होंगे, तो इसलिए भी येलो टिक पर है। आप कहेंगे मैम जनक का ही बताइए, जनक का भी कोई रेटिंग नहीं दिया है क्योंकि जनक की अभी फर्स्ट टीआरपी निकल कर आई। तो ये शो थे जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है हिट और फ्लॉप लिस्ट में गए। इनमें से आपका फेवरेट शो कौन सा है कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।